सो हे गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं फिट मसल विला। आज जो हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं वो है साइट्रॉन रॉ वे प्रोटीन। आज इसके बारे में मैं आपको लैब टेस्ट के बारे में बताऊंगा और इसकी अमीनो प्रोफाइल और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटीन हमें लेना चाहिए या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, विल बी बैक। इस प्रोटीन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसकी छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये जो कंपनी साइट्रॉन जो आई थी, ये 1995 में आई थी इंडिया में, और जो इस कंपनी को आउटसोर्स कर रहा है वो आउटसोर्स कर रहा है हमारा वाइटल न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी, इसको आउटसोर्स कर रही है। इट मींस कि ये कंपनी इस प्रोटीन को बनाती है और साइट्रॉन इस पर अपना लेबल और अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग में रैप करके वो आपको इसको डिलीवर करते हैं। तो इसको मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये हमें जो पर सर्विंग स्कूप देते हैं वो देते हैं 30 ग्राम में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और सबसे पहली चीज तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि इसमें मुझे जो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो लगा है, इन्होंने अपनी अमीनो प्रोफाइल मेंशन नहीं कर रखी है कि इसमें हमें अमीनो जो हमारे एसिड होते हैं असेंशियल और नॉन असेंशियल, कि हमें पर स्कूप में कितने कितने ग्राम्स या 30 ग्राम का सर्विंग साइज दे रहे हैं या पर 100 ग्राम में हमें वो कितने ग्राम्स इस प्रोटीन में मिलते हैं, ठीक है। बट इन्होंने अपना वही चीज अमीनो प्रोफाइल अपने इन्होंने अमेजोन पे मेंशन कर रखी है, तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो सब स्क्रीन पे आप अच्छे से देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये चेक करना है कि 30 ग्राम्स में 24 ग्राम प्रोटीन अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट मींस जो उन्होंने अमीनो प्रोफाइल अपनी बना रखी है तो उसका भी टोटल 24 ग्राम आना चाहिए। बट जब मैंने अपनी कैलकुलेशन करी इस प्रोटीन के अमीनो प्रोफाइल की, तो उसमें आ रहा था 23.44 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो इट मींस नियर अबाउट, बहुत ही नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट पूरा एक्यूरेट नहीं आ रहा था। 0.56 का डिफरेंस था। तो एक तो मुझे छोटा सा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी इसमें जो आप एक सर्विंग आपको मिलती है वो 30 ग्राम की मिलती है, 30 ग्राम में आपको 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है और टोटल इसमें 33 सर्विंग है। तो ऑलमोस्ट जो एक दिन में से दो स्कूप ले रहा होगा तो दो स्कूप उसको 15 डेज में चलेगा, नहीं तो एक महीना चलता है ये अगर आप एक स्कूप एक दिन में लेंगे। बाकी ये हमारी काफी अमेजोन पे काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, टॉप 50 में प्रोडक्ट आता है। काफी लोगों को मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज आप इसके लैब टेस्ट बताइए, तो लैब टेस्ट तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, मैं अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि इसमें लैब टेस्ट में हमारा प्रोडक्ट को और इसमें इस प्रोडक्ट में कितने प्रोटीन परसेंटेज पर स्कूप में कितना है। मैं इसको आपको एक न्यूट्रिशनल फैक्ट इसका ब्रीफ कर देता हूँ जो इन्होंने अपने प्रोफाइल में मेंशन करा हुआ है कि आपको एनर्जी जो पर 30 ग्राम मिलती है 120 के लगभग मिलती है, प्रोटीन जो मिलता है आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर 30 ग्राम, कार्ब जो मिलते हैं 1.3 ग्राम मिलते हैं। तो रॉ वे प्रोटीन है तो इन्होंने कोई आर्टिफिशियल चीज ऐड नहीं करी, तो इसमें शुगर बिल्कुल 0 ग्राम है। फैट है इसमें 2.1, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सब है आपके टोटल मिला के 3.56, ओके। बाकी कोलेस्ट्रॉल आपका 0 है एंड ट्रांस फैटी एसिड आपकी 0 है। बाकी इन्होंने जो अपने डायरेक्शन जो रिकमेंडेशन यू बता रखी है अपने प्रोडक्ट पे, वो बता रखी है कि आप इसको 30 ग्राम का एक स्कूप लेके 200 ml पानी में यूज कीजिए, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ठंडे पानी में यूज करें या गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में, ठीक है। तो आप इसको वर्कआउट से पहले, मतलब पोस्ट वर्कआउट 30 मिनट्स और प्री वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले यूज कर सकते हैं, जो उन्होंने अपने डायरेक्शन में यूज किया हुआ है। बाकी आप इसका अगर सोर्स पूछेंगे कि इन्होंने कौन सा अपना रॉ वे सोर्स यूज करा है, तो इन्होंने लिख रखा है प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम यूएसए। तो फ्रॉम यूएसए में जो इन्होंने अपना टैग लगा रखा है, तो यूएसए से इन्होंने जो सोर्स वे सोर्स जो यूज करा है वो ग्लैम्बिया का है। तो ग्लैम्बिया काफी ज्यादा पॉपुलर और डिमांडेबल उसके प्रोटीन्स होते हैं, तो काफी लोग, काफी प्रोटीन कंपनी सब वही सोर्स यूज करती हैं। बाकी इन्होंने खाली यही मेंशन कर रखा है कि प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम यूएसए,
तो इन्होंने ग्लैनबिया का जो मुझे पता लगा है, इनकी जो अमेजोन पे रिपोर्ट इन्होंने डाल रखी है वहां से मुझे पता लगा है। एंड एक छोटी सी चीज और, इससे पहले मैंने इसको साइट्रोन को यूज करा है, तो इन्होंने पहले अपना जो इसका स्कोप साइज था वो था 40 ग्राम्स, तो इट मींस कि जो 30 ग्राम का साइज था, जो इनको 30 ग्राम प्रोवाइड करना था, जो अपने लेबल्स में 30 ग्राम लिखते थे, इंस्टेड ऑफ 30 ग्राम दे प्रोवाइडेड 40 ग्राम स्कूप साइज पर सर्विंग, जो कि बहुत गलत था। काफी लोगों ने इसके लिए कंप्लेन भी करी थी, तो फिर इन्होंने अपना स्कूप साइज चेंज करा था, तो फिर बाद में 40 ग्राम की जगह 30 ग्राम स्कूप साइज इन्होंने कन्वर्ट करके उस प्रोडक्ट में देने लग गए हैं। तो बाकी जो मैंने आपको बताया है, मुझे नेगेटिव पॉइंट लगे वही लगे, और बाकी जब मैं आप इसको बताता हूँ सबसे मेन जिसकी वजह से हम प्रोटीन खरीदते हैं कि हमें उतना प्रोटीन इसमें मिल रहा है या नहीं, तो मैं आपको, मेरी स्क्रीन पर लैब टेस्ट आ रही होगी, जो मुझे रिजल्ट मिला है, मुझे मिला है 79% ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो इट मीन्स कि आपको 100 ग्राम में 79 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो कि मेरा है। मतलब काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम ड्राई बेसिस पे माने या एसिड बेसिस पे माने, तो आपका एसिड बेसिस, ड्राई बेसिस पे क्या होता है कि वो खाली ड्राई बेसिस पे, मतलब ड्राईली उसको, उसका प्रोटीन कंटेंट निकालते हैं, और जो एसिड बेसिस होता है उसमें सारा पूरा अच्छे तरीके से मॉइस्चर सारी चीजें निकालकर उसको आप प्रोटीन कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो एसिड बेसिस में हमारा जो परसेंट का फर्क रहता है वो 3 से 6% का फर्क रहता है। बाकी आप इस चीज को ना लेके आप इसको ये मान सकते हैं कि आपको ओवरऑल इसमें 75% प्रोटीन कंटेंट मिल रहा है, जो कि मैं ये मानूंगा कि अगर ये 80% क्लेम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन्हें 78 to 80% देना चाहिए था। बाकी लैब टेस्ट भी वेरी करती हैं, 3 से 4% हर कहीं लैब टेस्ट आप करवाएंगे तो उनके पास अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं प्रोटीन कंटेंट निकालने का, तो हर लैब टेस्ट वेरी करता है 2 से 3%। तो इसलिए मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा प्रोटीन कम लगता है, क्योंकि अगर तुम रॉ वे प्रोटीन दे रहे हो तो एटलीस्ट रॉ में फुल टू प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं, तो चॉकलेट फ्लेवर एंड कॉफी फ्लेवर सारे मैंने प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं, तो जब वो फ्लेवर एड ऑन करते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स काफी ऐसे डालते हैं जिससे कि प्रोटीन परसेंटेज उनका कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही इसमें चॉकलेट फ्लेवर एड ऑन होता तो शायद इसका रिजल्ट 70% या 65% रह जाता, तो डिपेंड करता है कि कंपनी उसका इंग्रेडिएंट क्या यूज कर रही है। तो दोस्तों बात की बात है, इसमें तो जो मुझे रिजल्ट मिला है वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। पर्सनली तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपने लिए कि मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, बट इसको मैं ये जरूर कहूँ कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको यूज करना है तो मैं कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा नीचे, मैंने बस आपको जेन्युइन इसका रिव्यू करा है, तो आप अमेजोन से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज की इस मेरी वीडियो में छोटा सा रिव्यू। आप पर्सनली अगर इसको प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मेरा कोई ऐसा मेन पर्पस नहीं था कि मैं इसके ही कोई आपको प्रमोशन या मार्केटिंग करूं। मुझे पर्सनली जो लैब टेस्ट में मिला है मैंने आपके साथ वो शेयर करा है, आप उसको लेना चाहते हैं वो टोटली आपके ऊपर है, लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे आप नहीं ले सकते, ठीक है। एंड जो आपको प्रोडक्ट रिव्यू बताना है कि आपको इस प्रोडक्ट को रिव्यू करना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेशन में जरूर बता सकते हैं, और किसी को भी कुछ भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं आईडी अपने नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से मुझे सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस, बातें करनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए और मुझे वहां पे मैसेज कीजिए। बाकी एक आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर मिलेगा, अगर आप यहां तक आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बाकी तो आप कर ही देंगे मुझे पता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक स्टे सेफ, जय हिंद।